हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू आई एक्स शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो है so friends, know, कि है थर्ड जून 2023 सो फ्रेंड्स एज यू ऑल नो कि बी में हमने एक नया फीचर इंक्लूड किया है द फीचर इंक्लूड्स जो भी बी में न्यूज़ हम कवर करते हैं उसके रिलेटेड जो भी स्टैटिक न्यूज़ हैं उसके कुछ कुछ स्टैटिक न्यूज़ के जो वीडियोज़ हैं वो हम बी में ही आपको दे दे रहे हैं सो देट यू डोंट हैव टू फाइंड देम अगर आप उन्हें लैपटॉप में पढ़ते तो आप उन्हें स्कैन करके अपने मोबाइल पे देख सकते हो या अगर आप मोबाइल पे पढ़ते हो लैपटॉप पे पढ़ते हो हमने लिंक भी डाल रखा है व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक इट विल डायरेक्टली ओपन दैट वीडियो सो दिस इज गोना हेल्प यू ए लॉट बाय यू नो पुटिंग टुगेदर करंट अफेयर एंड द स्टैटिक पार्ट ऑफ इट राइट तो इसका आप ढेर uh, सारा फायदा उठाइए बिकॉज ये एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है विद दिस नोट लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ दैट इज़ लार्जेस्ट डोनेशन एस सी एस आर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो ये जो डोनेशन है ये डोनेशन किसने दिया आईसीआईसीआई बैंक ने दिया अब क्योंकि एक बैंक है तो सिंपल है कि आपको एक सिंपल वन लाइनर सवाल पूछ सकते हैं कि वेच इंडियन कंपनी आपको बैंक करके नहीं भी पूछ सकते बिकॉज देखो इट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए बैंक इट इज द रिक्वायरमेंट इन कंपनीज एक्ट टू ठीक है किसमें है ये कंपनीज एक्ट 2013 में रिक्वायरमेंट है ठीक है तो ये आपको समझ लेने वाली बात है जो आई सी बैंक बैंक है इन्होंने अनाउंस किया टू कॉन्ट्रीब्यूट बारह करोड़ 1200 करोड़ टूवर्ड्स टाटा मेमोरियल सेंटर टू एक्सपैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट थ्री कैंसर ट्रीटमेंट हब ठीक है थ्री कैंसर ट्रीटमेंट हब तो ये आपको ध्यान देना है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में वो है 2.2 करोड़ पेनल्टी ऑन इंडियन ओवरसीज बैंक ठीक है तो ये पेनल्टी किसने लगाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया आर ने, ने पेनल्टी लगाया आई पे फॉर नॉन कम्प्लायंस ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एंड अदर डेफिशेंसीज इन रेगुलेटरी कम्पलाइंसेस देखो रीज़न इंपॉर्टेंट नहीं होता है मैंने कई बार आपको बोला है कि आप आर आर बी और कोऑपरेटिव बैंक अगर छोड़ दोगे तो बाकी सब बड़े बैंक ही बचते हैं वो बहुत ही कम होते हैं तो ये भी आप याद करो कि 2.2 करोड़ पेनल्टी किस पे लगा है ये किस पे लगा है आई ओ बी पे लगा है कुछ दिन पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे आर ने पेनल्टी लगाया था आप मुझे कमेंट सेक्शन में अमाउंट बताओ उसके पहले एच एस बी सी पे लगाया था उसका भी मैंने उसका भी आप ये बताओ कमेंट सेक्शन पे अमाउंट बताओ राइट ये सारा ये दोनों जो है मैं कल के करंट अफेयर में आपको कवर कर दूंगा तो ये आपको ध्यान देने वाला बात है अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में वो है टाटा ग्रुप ई बैटरी डील तो देखो ये भी एक सिंपल वन ऑनलाइनर सवाल आपके लिए बन सकता है एंड ऑल्सो ये जो न्यूज़ है इसको आप अपनी डिस्क्रिप्टिव में भी यूज़ कर सकते हो कैसे मैं बताता हूँ जो टाटा ग्रुप है इन्होंने एक आउटलाइन डील बनाया किसके साथ गुजरात गवर्नमेंट के साथ क्यों क्योंकि उन्हें एक लिथियम आयन सेल फैक्ट्री बनाना है और उसके लिए टाटा ग्रुप कितनी इन्वेस्टमेंट करेगी रुपीज़ वन थाउजेंड थर्टीन थाउजेंड करोड़ विच इज़ अराउंड वन पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर तो ये या आपको याद करना है क्यों क्योंकि देखो ये जो लिथियम आयन फैक्ट्री है राइट जो हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक वहीकल अगर हमें डीजल या पेट्रोल मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजिन जो भी है इससे अगर ट्रांसफॉर्म करना है मूव करना है इलेक्ट्रिक वहीकल में देन वी विल हैव टू हैव ए वी बैटरी प्लांट इन इंडिया राइट right? तो आज के दिन में अगर आप टाटा मोटर्स की बात करो तो जिसके पास अराउंड एट्टी परसेंट मार्केट शेयर है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स राइट तो उनके ग्रुप से ही ये बड़ा कदम उठाया गया है कि देट दे आर गोइंग तो टू सेट अप ए लिथियम आयन सेल फैक्ट्री अब लिथियम आयन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ई राइट तो अगर ये फैक्ट्री इंडिया में बन गया तो जो इम्पोर्टिंग कॉस्ट है वो बच जाएगा और वैसे भी अगर आपको याद होगा कि हमने राजस्थान में जम्मू कश्मीर में कुछ लिथियम रिजर्व ढूंढ के निकाले हैं हम तो उन लिथियम का तो यूज़ हमें इंडिया में ही करना है देर इज़ नो पॉइंट कि उन लिथियम को हम निकालें और सेल विदेशों में बनवाएं और फिर से उसको इम्पोर्ट करें राइट एंड देर इज़ नो पॉइंट सो देर हैज़ टू बी ए फैक्ट्री इन इंडिया एंड वो कदम एंड वो ग्रुप तो मतलब ये कदम किसने उठाया है टाटा ग्रुप ने उठाया है, है। कहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट के साथ ये डील किया है राइट right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है तो ये कहाँ पे होने वाला है एट सनाद ठीक है सनाद में ऑलरेडी टाटा ग्रुप का प्लांट है सो so, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में वो है सहारा इंडिया और मैंने एक एरो बनाया लाइफ एस लाइफ तो देखो आपको कुछ चीज़ विजुअली भी याद करना है एक सिंपल सा बात यह है कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के जितनी भी पॉलिसीज है उसको कौन टेक ओवर करेगा एस लाइफ करेगा है। जो रेगुलेटरी बॉडी है आई आर टी आई इन्होंने आइडेंटिफाई किया है एस बी आई लाइफ टू टेक ओवर दिलिटीज ऑफ टू लैक पॉलिसी ऑफ सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एज द लीटर फेल टू कंप्लाई विथ रेगुलेटरी डायरेक्शन ठीक है तो यह आपको याद करना होगा दिस वुड बी एज पर द डायरेक्शन ऑफ आई आर टी आई बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में सेबी रिलीज बॉन्ड ट्रेडिंग गाइडलाइंस देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल न्यूज़ है एंड ये मैं आपको बताऊँ ये आपके बैंक पीओ के लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि सेबी ने कुछ बॉन्ड ट्रेडिंग गाइडलाइंस इशू किया है मतलब वो नहीं भी जानोगे तो चलेगा बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलेटरी बॉडी अब क्योंकि आरबीआई एग्जाम का नोटिफिकेशन बाहर है ये न्यूज़ को थोड़ा सा कवर करना इम्पोर्टेंट हो गया तो देखो वाट इज़ आर सबसे पहले ये समझो सेबी ने रिलीज़ किया बॉन्ड ट्रेडिंग गाइडलाइंस ऑन आर क्यू क्यू लेकिन ये आर एफ क्यू है क्या द आर एफ क्यू और रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट प्लेटफॉर्म इज अ सिस्टम और इंटरफेस फॉर इन्वाइटिंग और गिविंग कोर्ट्स ऑन ए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म द प्लेटफॉर्म ऑफ इंट्रोड्यूस एज ए पार्टिसिपेट बेस्ड मॉडल वेयर इन ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉडी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वे एलिजिबल टू रजिस्टर एंड एक्सेस एंड ट्रांजैक्ट सिंपल सा बात है आर एफ क्यू का मतलब ये है जैसे कि uh, एक प्रोडक्ट किसी प्लेटफॉर्म में लिस्ट होता है आप जाके उसको खरीद सकते हो करेक्ट तो आर एफ क्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे बॉन्ड लिस्ट नहीं होंगे बेचने वाला खरीदने वाला सब लोग यहाँ पे होंगे जिसको खरीदना होगा वो रिक्वेस्ट देगा जिसको बेचना होगा वो रिक्वेस्ट देगा आगे से कोई इंटरेस्ट दिखा के उसको खरीद लेगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये ठीक है तो अक्टूबर 2022 में सेबी ने क्या अलाउ किया था स्टॉक ब्रोकर्स को ब्रोकर अलाउ किया था टू प्लेस बिट्स ऑन आर एफ क्यू प्लेटफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट टू फिलिशिएट वाइडर पार्टिसिपेशन इन दर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ये समझने वाली बात है कि अक्टूबर दो हज़ार बाईस में सेबी ने स्टॉक ब्रोकर मान के चलो आपका अकाउंट कहाँ पर है जीरोदा में है ठीक है तो आपको डायरेक्टली आर एफ क्यू का एक्सेस नहीं है लेकिन आपके स्टॉक ब्रोकर को है तो आपका स्टॉक ब्रोकर आपके लिए ये रिक्वेस्ट प्लेस कर सकता है ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अच्छे से ग्रो करे और वाइडर ये मिले वाइडर मार्केट मिले ठीक तो है तो आई होप ये आर एफ क्यू क्या चीज है आर एफ क्यू इस प्लेटफॉर्म फॉर स्पेशली फॉर क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ये आपको ध्यान देन देना है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ नेक्स्ट नहीं अब इसके न्यूज में बढ़ते हैं कि सेबी ने अब क्या चेंज किया सो so, सेबी केम आउट विद ए गाइडलाइंस फॉर द ट्रांजेक्शन इन कॉर्पोरेट बॉन्ड थ्रू रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट प्लेटफॉर्म बाई स्टॉक ब्रोकर इन ऑर्डर टू इंक्रीज लिक्विडिटी ऑन दी प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू इंक्रीज क्या लिक्विडिटी ऑन द प्लेटफॉर्म क्योंकि जितने लोग इसमें आएंगे उतना ज्यादा इसमें क्या होगा लिक्विडिटी आएगा ठीक है चलो ये किसके लिए है स्टॉक ब्रोकर के लिए है फॉर ऑल द ट्रेड्स इन प्रोपर्टी कैपेसिटी स्टॉक ब्रोकर विल हैव टू अंडरटेक एटलीस्ट टेन परसेंट ऑफ दोटल सेकेंडरी मार्केट ट्रेड वैल्यू इन कॉरपोरेट बॉन्ड जितने भी वो प्रोपेटेरियल कैपेसिटी में ट्रेड करते हैं एटलीस्ट उसका दस परसेंट सेकेंडरी मार्केट ट्रेड वैल्यू क्या होगा कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में होगा मतलब आर एफ क्यू प्लेटफॉर्म में होगा ठीक है और ये किस में होगा मंथली होगा अच्छा स्टॉक ब्रोकर विल हैव टू कंसिडर द ट्रेड एक्सिक्यूटेड बाई द वैल्यू थ्रू वन ओ वन ओ टी ओ और वन टू मिनी मोड ऑफ आर एफ क्यू तो देखिए वन ओ वन और वन टू मिनी का मतलब ये है जैसे इसमें रिक्वेस्ट प्लेटफॉर्म है मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी का खरीदना है तो मैंने रिक्वेस्ट सिर्फ उनको ही भेजा ठीक है और मुझे मल्टीपल का खरीदना है तो मुझे रिक्वेस्ट मैंने मल्टीपल को भेजा सो दैट इज़ वन टू वन एंड दैट इज़ वन टू मिनी मोड ऑफ आर एफ क्यू तो ये आपको समझने वाली बात है ठीक है तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में वो है फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ एम देखो सांची जो जगह है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है इन द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट फॉक बुद्धा सुटपा कहाँ पे ये इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश तो सांची को भारत का मतलब इसको क्या डिक्लेयर किया जाएगा फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश ये मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है तो ये सोलर सिटी बनाने के लिए क्या करना ज़रूरी है सोलर सिटी बनाने के लिए इट वुड द प्रोजेक्ट यू नो

टाउन बन जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे पहला ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है जब डिक्लेयर होगा तब बहुत इंपॉर्टेंट होगा बट क्योंकि इसमें काम चालू हो गया है यू कैन बी आक्स इन द एग्जामिनेशन एज वेल और ऊपर से सांची क्या है एक यूनाइटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो जिस वजह से इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है पढ़ते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ में वो है जॉइंट सेशन ऑफ यू कांग्रेस तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये डिक्लेयर किया कि अभी जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर यू एस विजिट करेंगे तो वो सेकेंड टाइम जॉइंट मीटिंग ऑफ द यू एस कांग्रेस को एड्रेस करने वाले हैं राइट right? पहले भी वो कर चुके हैं दिस वुड बी द दिक्कड टाइम दैट ही वुड बी डूइंग इट तो ये किसने अनाउंस किया है यू एस ने अनाउंस किया है आफ्टर यू एस कन्फर्म्ड इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया है बढ़ते आगे लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे कॉस्ट इफेक्टिव लिथियन आयन बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है देखो लिथियम इज़ वेरी गुड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल क्योंकि उसी से बैटरी बनता है बट अगेन वन दी बैटरी इज नो लॉन्गर इन यूज वो खराब हो जाता है तो उसका जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है उसको अच्छे से नहीं किया जाए तो सॉयल इरोशन और इन्वायरमेंटल को बहुत हानि पहुंचा सकता है तो टेकिंग दैट सेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव लिथियम आयन बैटरी रिसाइकिल टेक्नोलॉजी हो वो नाइन रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स को पास ऑन कर दिया है एज ए पार्ट ऑफ क्या मिशन लाइफ अंडर प्रोमोट सर्कुलैरिटी कैंपेन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडर वाट आपको ये पूछ लेगा ना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे अनलेस यू नो वाट मिशन लाइफ अंडर प्रोमोट सर्कुलैरिटी कैंपेन तो ये आपको याद करना होगा बाकी नौ कंपनी का नाम क्या है वो एकदम ही ज़रूरी नहीं है आपको ये बस ध्यान रखना है कि नाइन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ को ये भेजा गया है ठीक है चलो विद दिस वी आर डन फॉर द डे एक्स मेट टुमारो मॉर्निंग वन सेकेंड टेल देन एंड फुल यू पोटेंशियल एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट यू प्रिपेर एन ऑल द बेस्ट रिमेबर आई बी हेल्प्स यू प्रिपेयर फिफ्टी परसेंट फास्ट